हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर, रोथर जेलिसिस माय नेम, और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो यार ये वीडियो उनके लिए, यार तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, देखो अभी हमने इंजीनियरिंग के बारे में बताया और आपको बताया मेडिकल के बारे में, कॉमर्स के बारे में हो, सो यार देखो बहुत सारे ऐसे कॉमन है कि बीकॉम तुम कर सकते हो, लेकिन बीकॉम भी 100 से ज्यादा स्ट्रीम्स में होता है, राइट। कई अकाउंट में करते हैं, कई फाइनेंस में करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें उसको हम समझेंगे, राइट। सो लेकिन हम मेनली ये समझेंगे कि कॉमर्स में आप ऐसे कौन से जॉब से जहां पर आपको एक अच्छा खासा पैकेज, हाई पैकेज मिलता है, राइट। सो उन जॉब्स के बारे में समझेंगे जो आप कॉमर्स लेने के बाद या तो कर सकते हो या उस फील्ड में जा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो हम कोर्सेज की बात कर लेते हैं, राइट। अगर हम कोर्सेज की बात करेंगे तो सबसे कॉमन होता है कि लोग बीकॉम करते हैं, लेकिन बीकॉम आपने सुना होगा, अगर हम बात करेंगे तो सर बीकॉम हम कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर लेंगे, बीकॉम हम प्लान से कर लेंगे, बीकॉम हम ऑनर्स से कर लेंगे, बीकॉम हम फाइनेंस से कर लेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि बीकॉम में अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन लेके चलना चाहते हो तो वो भी आपको यहां पर मिल जाता है। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन से ही ओनर से, यू नो, फाइनेंस से आप कर सकते हो, इसके अलावा आप इंश्योरेंस से कर सकते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी से, टैक्सेशन से, फाइनेंस से, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे, जैसे प्रोफेशनल से, कोऑपरेशन से, राइट, बैंकिंग मैनेजमेंट से आप बीकॉम कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, फाइनेंशियल मार्केट से कर सकते हो, राइट, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर सकते हो, मार्केटिंग से कर सकते हो, ई कॉमर्स से भी बीकॉम होता है, जी हाँ, ये भी मैं बता दूं, टैक्सेशन एंड फाइनेंस से बीकॉम हो जाता है, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से हो जाता है, टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस से बीकॉम हो जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हो जाता है, बैंकिंग फाइनेंस से हो जाता है, फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट, राइट। अब ये फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, तो इन तमाम चीजों के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इन डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन अभी कम टू द पॉइंट समझते हैं, क्योंकि ये बता के हम आपको ले जाना चाहते हैं ऐसे कौन से अच्छे जॉब है जहां पर आप कहीं ना कहीं पा सकते हैं। सो अब जैसे हम फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं, राइट, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, टूरिज्म एंड ट्रेवल्स, इसमें भी आप बीकॉम कर सकते हो, राइट। इंश्योरेंस मैनेजमेंट में आप कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में कर सकते हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, तो ये सारी एक बेसिक राय जिसमें आप कर सकते हैं। चलिए तो स्किल्स वगैरह इन सब पे हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, राइट। मेनली बात करते हैं जो टॉप 14, राइट, ऐसे हमने कुछ करा है कि जिनको आप हाईएस्ट सैलरी जॉब फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप प्लान कर रहे हो, अभी तो हमने आपको बताया कि आखिर कहां कहां आप कर सकते हो कॉमर्स, लेकिन ऐसी कौन सी जॉब है, ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर आप करियर बना के अच्छा खासा लमसम अमाउंट पा सकते हो, राइट। सो अगर हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स कर रहे हो तो तुम्हें एक सीए भी बन सकते हो तुम, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, एग्जाम निकालना होता है, सीए का एग्जाम काफी टफ होता है, और एग्जाम निकालने के बाद भी आपको कई साल लोग, मतलब 10-10, 20-20 साल तक सीए का पढ़ाई करते रहते हैं। रीजन क्या होता है, हर साल आपको एग्जाम देना है, जब तक आपका नहीं निकलता है तब आप नेक्स्ट प्रोसीजर में नहीं जाओगे, इंटर्नशिप वगैरह भी होती है, तो सीए भी जबरदस्त होता है इसका, कॉमर्स करके आप सीए बन सकते हो, इसके बाद आपको इजीली 6-7 लाख पर एनम का कहीं भी पैकेज मिल जाएगा, खुद की भी प्रैक्टिस करोगे तो भी अच्छा खासा पैकेज तुम्हें मिल जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, इसमें भी आपको 6-7 लाख पर एनम मिले, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, 9-10 लाख पर एनम मिल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर भी बन सकते हो, इसमें भी 7-15 लाख के बीच में आपका एनम चला जाता है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अच्छा इन लोगों की क्योंकि डिमांड काफी होती है, देखिए हर कंपनी में ना इन सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, एक कंपनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, राइट, एक सीए की भी जरूरत पड़ती है, और ऐसे लोगों की भाई कि हर कंपनी को अपना फाइनेंस भी तगड़ा रखना है ना, हर चीज परफेक्ट रखनी है ना, तो देखिए 12 लाख से एक बेसिक है जो आपका यहां पर मिल जाता है, और अगर आपको इसमें बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो यार करोड़ों में पैकेज जाता है फिर तो। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग सीपी जिसको हम बोलते हैं, 7-10 लाख के बीच में होता है। इसके बाद आप ये देखिए, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं 4 लाख पर एनम, बिजनेस अकाउंटेंट एक टैक्सेशन में कर सकते हो 6-7 लाख पर एनम, रिटेल मैनेजर बन सकते हो 5-6 लाख, कंपनी सिक्योरिटी बन सकते हो, तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। प्रोफेशनल फाइनेंस एडवाइजर बन सकते हो, रिसर्च एनालिटिक्स बन सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हो, राइट। सो ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के साथ साथ कितनी बढ़ती जाती है क्या, तो ये कॉमर्स में आप अपना करियर बना सकते हो अगर
अगर आप प्लान कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो यार 50-100 ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो मैंने अभी कुछ आपको बताई, इसके अलावा भी बहुत है। सो आजकल क्या हो रहा है ना कि हर चीज में एक स्पेसिफिकेशन आ गया है। मान लीजिए अगर जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर डाटा साइंस भी होगी, मशीन लर्निंग भी होगी, साइबर सिक्योरिटी भी होगी, क्लाउड टेक्नोलॉजी भी होगी, बिजनेस एनालिटिक्स भी होगा वहां पर। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, मिक्स हो रही है ब्रांच, जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी, आईटी एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर एंड डाटा साइंस, सो मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस इन यू नो एआई। सो आपको ये चीज समझनी है। तो स्पेसिफिकेशन जाना भी कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जहां पर भी आप स्पेसिफिक हो रहे हो वहां डिमांड कम है, लेकिन सप्लाई भी कम है, लोग भी कम कर रहे हैं, राइट। सो इसके बारे में डिटेल में समझिए, कभी जानेंगे, बट पहले ये जानो कि जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो इंटरेस्ट जोन किधर है, आपका कहां पर ज्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि हर जोन में बीए करोगे 100 से ज्यादा तरीके से होता है, हर लैंग्वेज में बीए होता है, बीकॉम अभी हमने आपको बताया, बीएससी भी इसी तरीके से, इंजीनियरिंग हो, मतलब एक्स वाई जेड आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो तो हर फील्ड में होता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो तो वहां पर भी आप देख लो, एमबीबीएस नहीं हो रहा है, नो इश्यू, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, वेटरनरी साइंस, फार्मेसी और बायोमेडिकल वगैरह में आप जा सकते हो, बीएमएस, डीएमएलटी, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे, शेयर करिए इस वीडियो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ और कुछ पूछना है तो पूछो हक से, रोथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ जाके वहां पर पूछो अपना सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।